इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 1.25 बिलियन है, यानी लगभग 125 करोड़। दूसरे देशों से इंडिया घूमने आए लोग अपने साथ इंडियन करेंसी वापस नहीं ले जा सकते, उनके लिए यह इलीगल है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक आप इंडियन करेंसी अपने साथ वापस नहीं ले जा सकते, आपको यहीं पर एक्सचेंज कराना होगा। इंडिया के शहर मुंबई या दिल्ली में एक दिन रहना और वहां की हवाओं में सांस लेना 100 सिगरेट पीने के बराबर है, क्योंकि वहां की हवाओं में बहुत ही ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है। दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली इंडिया में ही रहती है। इंडिया के एक शख्स ने 39 शादियां कर रखी है, जिनसे उसके 94 बच्चे हैं। पूरी दुनिया में इंडिया के लोग सबसे कम मीट खाने वाले लोग हैं पर पर्सन के हिसाब से। इंडिया में 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के ठीक 9 महीने के बाद इंडिया में हर एक घंटे में एक औरत की मौत होती है डाउरी की वजह से, यानी दहेज के मामलों को लेकर हर घंटे एक औरत की मौत होती है इंडिया में। पूरी दुनिया में जहां पर भी गरम मसाला यूज होता है उसका तकरीबन 70% इंडिया से ही जाता है। इंडिया स्पाइस के मामले में काफ़ी आगे है, लगभग 70% पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इंडिया से ही होता है। चाइना का शहर बीजिंग पूरी दुनिया में अपने एयर पॉल्यूशन को लेकर बदनाम है, जबकि इंडिया का शहर न्यू दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन वाला शहर है। इंडिया में तकरीबन हर साल 1 लाख से 5 लाख बिना जन्मी बच्ची को मार दिया जाता है माँ के पेट में अबॉर्शन कराकर, सिर्फ ये जानने के बाद कि माँ के पेट में जो बच्चा है वो लड़की है। इंडिया में मौजूद गोल्डन टेम्पल हर दिन तकरीबन 1 लाख लोगों को खाना खिलाता है, बिना ये पूछे कि उनका रिलीजन क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, उनकी कास्ट क्या है। यह उम्मीद किया जा रहा है कि 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी, तकरीबन 1.6 बिलियन, जो कि उस वक्त चाइना और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन को मिलाकर उससे ज़्यादा होगी। इंडिया की औरतों के पास पूरी दुनिया का तकरीबन 11% सोना मौजूद है, जो कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी के गोल्ड स्टोरेज से भी ज़्यादा है। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान एक आइलैंड्स को लेकर झगड़ा था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो आइलैंड गायब हो गया यानी समुद्र में डूब गया, जिसने दोनों देशों के बीच मतभेद को सुलझा दिया, यानी अब उस आइलैंड पर किसी भी देश का मालिकाना हक नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी देश मौजूद हैं उन सब में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा पब्लिक हॉलीडे होता है, कम से कम एक साल में 18 से 20 हॉलीडे होते ही हैं।